हमारा तीसरा चैप्टर है एनसीईआरटी का, मोशन इन अ वन डायमेंशन। तो मोशन इन वन डायमेंशन से पहले हमें कुछ मैथमेटिक्स जाननी रहती है। अब वो मैथमेटिक्स क्या जाननी रहती है? डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। वैसे ये आप लोग क्लास 12 में पढ़ते हैं, मगर हमें अभी यहाँ पर जरूरत है, तो इसलिए हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे और थोड़ी चीजें, थोड़े फॉर्मूले होंगे वो आपको रटने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपको ज्यादा डिटेल में जाना होगा तो आप 12th में सारी चीजें आपको समझ में आएगी। तो हमें फिजिक्स में केवल इसका यूज करना है, तो हम बस इतना पढ़ेंगे जिससे हम न्यूमेरिकल या किसी चीज को, किसी का डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन हम इजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में डिफरेंशिएशन होता क्या है? डिफरेंशिएशन को आप ऐसा समझिए कि एक स्टिक है, जैसे ये एक चौक समझ लीजिए। अगर मैं इसको छोटे छोटे पार्ट में अगर मैं तोड़ता हूँ, मीन्स इसका मैं बहुत ही स्मॉल पार्ट लेता हूँ, तो वो जो बहुत ही स्मॉल पार्ट होगा उसको अगर मैं इकट्ठा जोड़ूंगा तो मुझे एक चौक मिलेगा, और अगर मैं इस चौक का एक छोटा सा पार्ट लूंगा तो इसका मतलब मैंने उसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो ये जो छोटा सा पार्ट है इस चौक का, उसी को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। मीन्स हम उस फंक्शन को तोड़ेंगे, मगर उस फंक्शन को तोड़ना कैसे है? वो तोड़ना ऐसे है कि हम क्या करेंगे कि जो फंक्शन जो है, जिस फंक्शन का हमें डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन निकालना होता है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना रहता है, उसको हम क्या करते हैं, कोई फंक्शन होगा वो किसी ना किसी पे डिपेंड होगा या तो कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट की बात बाद में करेंगे, हम डिपेंडेंट की बात करते हैं। जैसे कोई फंक्शन है वाई, वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है, मीन्स जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वैसे वैसे वाई बढ़ेगा। मीन्स आप ये ग्राफ देखिए, जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा ये जो ग्राफ बन रहा है, ये जो ग्राफ बन रहा है ये चेंज होता जाएगा। इसका मतलब एज एक्स इंक्रीजेस और एज एक्स चेंजेस आवर फंक्शन वाई इज ऑल्सो चेंजेस। तो हम इसमें क्या करते हैं कि जो फंक्शन होता है जिस पे डिपेंड कर रहा है वो फंक्शन, हम उसी के रिस्पेक्ट में हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मीन्स वाई कैसे चेंज कर रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में, उसी को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन। और उसको एक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन लिखते हैं। तो देखिए डिफरेंशियल कोफिशियंट की हमारी डेफिनेशन क्या है, द डिफरेंशियल कोफिशियंट, हम डिफरेंशियल कोफिशियंट बोल सकते हैं और इसको डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं। वो क्या होता है, वेरिएबल क्वांटिटी ऑफ अ वेरिएबल क्वांटिटी वाई, मीन्स वाई क्या, वेरिएबल मीन्स वाई चेंज करेगा। अब किसके रिस्पेक्ट में चेंज करेगा, कोई एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल या तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फॉर्म में रहेगा। तो जैसे ही वाई, तो द डिफरेंशियल कोफिशियंट और डेरिवेटिव ऑफ अ वेरिएबल वाई विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल एक्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मीन्स जैसे जैसे एक्स चेंज करेगा वैसे वैसे वाई भी चेंज करेगा। देखिए यहाँ वाई को मैंने एफ एक्स लिखा, मीन्स फंक्शन ऑफ एक्स, मीन्स जैसे जैसे एक्स चेंज करेगा वैसे वैसे वाई भी अपनी वैल्यू चेंज करेगा। तो इसको हम मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में ये लिखते हैं, डी वाई वाई डी एक्स, मीन्स डेरिवेटिव ऑफ वाई, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, और इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है? अभी तो हमने केवल मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन समझ लिया कि भाई अगर कोई फंक्शन जो है एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो हम उसका डेरिवेटिव क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स। और हम अगर फंक्शन के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं कि वाई को हमने एफ एक्स लिख लिया, तो इसको क्या लिया है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, ये तो हो गया मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। अब जब भी कभी मैथमेटिक्स आती है उसके साथ उसके ज्योमेट्री का सिग्निफिकेंस आती है। अब हम ज्योमेट्री में समझते हैं, क्योंकि आपने क्लास 10th में ग्राफ पढ़ा होगा, और अगर आपने ग्राफ पढ़ा है 9th और 10th में मोशन में, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, और जिसमें हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ और ये सब निकालते हैं, तो उसमें हमने पढ़ा होगा स्लोप के बारे में। स्लोप के बारे में एग्जैक्टली स्लोप करता क्या है, स्लोप क्या होता है कि किसी एक, कोई एक कर्व है उसके किसी एक पॉइंट से हम एक लाइन खींचे जो उस पॉइंट को टच करते हुए केवल निकल जाए। ठीक है, तो जब हम इस लाइन, ये एक पॉइंट है, अगर मैं इसकी लाइन को खींचता हूं तो ये हमारा क्या कहलाता है, टेंजेंट, ये हमारा कहलाता है टेंजेंट। अब ये जो लाइन है ये किसी एंगल पे इस एक्सिस को, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसको क्या करेगी, किसी एंगल पे कट करती है। ठीक, तो ये जो कट करती है तो मीन्स ये जो स्लोप है इसको हम बोलते हैं स्लोप, और टेंजेंट तो ये जो स्लोप है किसी कर्व का, जो स्लोप है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, टेन थीटा से। ठीक, मगर ज्योमेट्रिकली डेरिवेटिव भी स्लोप को ही रिप्रेजेंट करता है।
means geometrically the differential coefficient of a function y is equal to fx is the slope of the tangent to the curve at a particular point denoted by dy by dx. Means हमने ये बोला कि जो एंगल थीटा है ये हमारा स्लोप देगा, पर कैसे कब स्लोप देगा, जब हम उसका टेन थीटा लेंगे. मीन्स स्ट्रेट लाइन है तो हम अगर स्लोप निकालेंगे स्ट्रेट लाइन का तो वो क्या आती है, टेन थीटा आती है. ठीक, तो हमें मालूम है कि किसी ज्योमेट्रिकल का अगर ज्योमेट्री का या किसी कर्व का हमें अगर स्लोप निकालना तो हम क्या करते हैं, टेन थीटा. मगर अभी मैंने डिफरेंशिएशन का आपको ये डेरिवेटिव का आपको एक और ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस बताया कि ये भी कर्व का क्या देगा, स्लोप देगा. मीन्स स्लोप क्या होगा, डी वाई वाई डी एक्स. और आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि एफ एक्स और ये वाई क्या कर रहा है, ये चेंज करता जाएगा. और जैसे जैसे ये चेंज करता जाएगा फंक्शन, वैसे वैसे हर पॉइंट पे टेंजेंट की डायरेक्शन भी क्या होती रहेगी, चेंज करती रहेगी. इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा डेरिवेटिव है वो क्या करता है, हमारे ये बताता है कि हमारा जो फंक्शन है, फंक्शन और फंक्शन में ये जो अंदर ब्रैकेट में लिखा जाता है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं. इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ये किसी पे डिपेंड नहीं करते. ठीक, और ये जो y लिखा रहता है इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल. मीन्स डिपेंडेंट क्यों, क्योंकि ये x पे डिपेंड कर रहा है. ये किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है. और x पे डिपेंड कर रहा है इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि अगर हम x की वैल्यू अगर चेंज करेंगे तो y हमारा चेंज होगा. ठीक है, तो dy / dx एग्जैक्टली बताता है कि हम जैसे जैसे x का हम छोटा सा पार्ट भी आगे बढ़ते हैं तो फंक्शन भी छोटा सा पार्ट आगे बढ़ेगा. तो किस रेट से बढ़ा, तो किस रेट से बढ़ा, हमें मालूम है कि जब भी हम स्लोप निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, y/x करते हैं. मगर अगर हम छोटा फंक्शन निकाल लें, बहुत छोटा, माइनर, इनफाइनाइटेसिमली, मतलब बहुत ही छोटे रीजन का अगर हमें निकालना हो, इतने रीजन का निकालना हो और यहाँ पे भी इतना ही चेंज आ रहा हो, तो इतने छोटे के लिए हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं. तो जो डेरिवेटिव होता है किसी फंक्शन का वो इंस्टेंट वैल्यू देता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे. मींस इंस्टेंट वैल्यू देगा. अब ये वर्ड याद रखिएगा कि जो dy / dx है वो किसी एट पर्टिकुलर पॉइंट इट गिव्स इंस्टेंटेनियस वैल्यू. और ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू आप जब काइनेमेटिक्स में पढ़ाऊंगा, जब ये खत्म हो जाएगा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, तो उसमें आपको मालूम पड़ेगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. मतलब किसी भी एक जनरल पर्टिकुलर टाइम पे हमें एक वेलोसिटी चाहिए तो हम वो वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, डेरिवेटिव करके. ठीक है, तो जब भी किसी कर्व का हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेन थीटा के बराबर होता है और वही क्या होता है, डेरिवेटिव के भी बराबर होता है. तो हम क्या करेंगे, अब टेन थीटा का कॉन्सेप्ट हटा के जब जरूरत पड़ेगी एंगल वेंगल पूछने की तब हम निकालेंगे, नहीं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, dy dx मतलब डेरिवेटिव निकालेंगे. अब ये dy dx होता क्या है, ये अब एक क्वेश्चन अराइज करते हैं, सर ये फंक्शन क्या हो सकते हैं, तो कुछ पर्टिकुलर हर फंक्शन का हम डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते, या ये कह सकते हैं कि हर डेरिवेटिव का अगर कोई फंक्शन हम है हमारे पास तो उसका जरूरी नहीं है कि हम डेरिवेटिव निकाल सकें. ठीक है, डेरिवेटिव निकाल सकें जरूरी नहीं है, उसके लिए कुछ कंडीशन है जो कि आप 11 12th में पढ़ेंगे, तो हमें जो कंडीशन दी जाएगी वो सेटिस्फाई करेगी कि हम डेरिवेटिव कर सकें. ठीक है, तो अभी हम लोग नॉर्मली जो है जितना हमें फिजिक्स में चाहिए हम उतना यूज करेंगे. ठीक है, तो हमें मालूम पड़ गया कि किसी भी ग्राफ का अगर स्लोप निकालेंगे तो वो हमें डिफरेंशिएशन के थ्रू मिलेगा, dy/dx. क्योंकि जब हम नॉर्मल निकालते हैं टेंजेंट तो क्या करते हैं, y / x कर देते हैं, स्लोप मिल जाता है. जैसे एक एग्जांपल लीजिए कि ये x है, आपने 9 से पढ़ा होगा, ये t है, ये कोई ग्राफ है. ठीक, तो अगर मैं x/t करता हूं तो इसको हम स्पीड बोलते हैं. इसको क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं. मतलब कि अगर हम किसी कर्व पे अगर एक टेंजेंट खींचते हैं तो हमें क्या देगा, स्पीड देगा. क्या देगा, स्पीड देगा. और स्पीड को हम क्या बोलते हैं, x/t. तो वैसे ही डेरिवेटिव भी होता है, ये स्लोप बताता है, ये भी स्लोप बताएगा, मगर ये बहुत ही छोटे डिस्टेंस पे, मतलब x बहुत ही छोटा होगा, बहुत ही माइनर होगा. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव को क्या करेंगे,
यूज करेंगे। तो जैसे हम x अपॉन t को क्या लिख देते हैं, स्पीड, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को लिख देंगे वेलोसिटी, वैसे यहां पर क्या लिखेंगे अगर हमें स्लोप चाहिए रहेगा बहुत छोटी क्वांटिटी के लिए क्या लिखेंगे dy by dx। तो ये जो dx होता है या dy होता है इनको हम बोलते हैं इनफाइनाइटेसिमली, इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल वैल्यूज ऑफ x, ठीक, मतलब दो x के बीच में बहुत ही कम इंटरवल होगा, मतलब बहुत ही कम डिफरेंस होगा, तो ऐसे को हम क्या लिख देते हैं dy या dx। और ये चीज याद रखिएगा क्योंकि जब हम रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे या सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे तो इन्हीं का यूज करके हम किसी यूनिफॉर्म बॉडी का हम सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, वहां पे हम कंसिडर करते हैं इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल लेंथ, तो वहां पे इसी का कॉन्सेप्ट यूज होता है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, जो डेरिवेटिव है वो लगभग फिजिक्स डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो है फिजिक्स के हर चैप्टर में आपको मिलेगा, अब हर चैप्टर में आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है हमें मालूम पड़ना कि डिफरेंशिएशन एग्जैक्टली होता क्या है। हम डी वाई डी एक्स लिखते हैं, वाई को एफ एक्स भी लिख सकते हैं, जैसे गिवन होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे इसे लिखेंगे, मगर डी वाई डी एक्स फॉर्म में लिखते हैं। और इसके ज्योमेट्री का सिग्निफिकेंस क्या ही हमें टेंजेंट देगा, तो हमें बचपन से मालूम भैया स्लोप जो है टेन थीटा होता है, तो अभी मैंने बताया कि स्लोप डी वाई डी एक्स होता है, तो इन दोनों इक्वेशन आप क्या लिख सकते हैं डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। तो अगर हमें डी वाई डी एक्स मिल गया हम एंगल बता सकते हैं, ठीक है, बता सकते हैं। तो ये डी वाई डी एक्स को हम इन जनरल जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उसमें क्या लिखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो डिफरेंशिएशन हो रहा है वो वाई का हो रहा है, मगर किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में, क्यों, क्योंकि एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई क्या है उस पर डिपेंड कर रहा है, तो जैसे जैसे एक्स इंक्रीज करेगा वैसे वैसे वाई अपनी वैल्यू चेंज करता रहेगा, इट डिपेंड्स ऑन वाई कैसा दिया हुआ है, कभी लॉग एक्स दिया होगा, कभी ई की पावर एक्स दिया होगा, कभी साइन एक्स दिया होगा, कभी कॉस एक्स दिया होगा, तो हम फंक्शन पे डिपेंड करेगा, मगर जैसे जैसे एक्स चेंज करेंगे हमारा वाई भी चेंज करता रहेगा, ठीक है। तो अब जो डिफरेंशिएशन है, तो जो डिफरेंशिएशन है उसके अब कुछ फॉर्मूले हैं वो हमें याद रखना है, क्योंकि जनरली फिजिक्स में इन्हीं फॉर्मूले में से क्या होगा खत्म होता, मतलब इन्हीं फंक्शन में से ही हमें क्या होगा सारे न्यूमेरिकल मिलेंगे, और ये जनरल फॉर्मूले हैं, इन्हें आपको याद करना पड़ेगा, रिमेम्बर करना पड़ेगा जब तक आप क्लास ट्वेल्थ में मैथ्स में डिफरेंशिएशन खत्म नहीं कर दे रहे। तो मैं एक लिस्ट लिखने वाला हूं, तो वो जो है आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए कुछ डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले जो हमें याद रखने हैं, ठीक है, क्योंकि इन्हीं की हेल्प से ही हम पूरी क्लास 11th में और 12th में भी इन्हीं फॉर्मूले के हेल्प से हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे, ठीक है। तो पहले देख लीजिए कि अगर कोई फंक्शन है xn, उसका अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या होगा, n एज इट इज बाहर आ जाएगा और ये जो n की पावर है ये एक कम हो जाती है, ठीक है। और अगर कभी डिफरेंशिएशन हम कांस्टेंट का लेंगे, मतलब c का लेंगे, तो वो हमेशा क्या होगा जीरो रहेगा, ठीक है। फिर अब आता है डेरिवेटिव ऑफ लॉग, अब ये ln लिखा हुआ है या हम लॉग के बेस e लिखते हैं, इनको हम नेचुरल लॉग बोलते हैं। अब लॉग क्या होता है मैं डेफिनेशन दे रहा हूं, जब से लॉग की जहां जरूरत पड़ेगी वैसे मैं लॉग की प्रॉपर्टी बताते हुए वहीं पे हम लोग टैकल कर देंगे, ठीक है। तो लॉग की डेफिनेशन क्या होती है कि हमको ये पॉजिटिव नंबर लिए a, ठीक, जो वन से अलग हो, क्योंकि वन की पावर कुछ भी लेंगे तो वन ही आ जाना है, तो फिर उसका कोई सेंस नहीं बनता, ठीक। एक रियल नंबर हो मगर वन से क्या हो अलग हो, और एक्स कोई रैशनल नंबर हो, और रैशनल नंबर कुछ किस तरीके से हो, ए की पावर एक्स इज इक्वल टू कोई नंबर एन के बराबर हो, ठीक है। तो अगर मुझे एक्स फाइंड करना है, तो जब हमें एक्स फाइंड करना है तो ये चीज जब इधर जाती है, किसी की पावर हो अगर मुझे पावर फाइंड करना हो तो जो बेस को हम इधर लेके जाते हैं तो वो लॉग बनता है, और जो लॉग बनेगा तो ये चीज इधर लेके गए हैं तो लॉग जो बनेगा उसकी पावर बेस क्या होगी ए, जो नंबर हम लेके गए हैं वही बेस में आ जाती है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं ई की पावर एक्स लिखता हूं, अगर मैं ई की पावर एक्स लिखता हूं पी के बराबर,
एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, लॉग, क्योंकि मैंने बोला जब भी ये बेस इधर जाएगा तो लॉग हो जाएगा, और जब ये बेस इधर गया तो लॉग में ही बेस, यही चीज लग जाएगी एज इट इज। जैसे यहाँ पे ए की जगह यहाँ बेस ए हो गया है, वैसे ही ई की जगह यहाँ पे भी बेस में क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो लॉग ई होता है इसी को हम बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम, और एल एन एक्स, और हम लॉग ई की लॉग बेस ई की एक्स, ठीक है। और अगर अगर हम ये बोले कि 10 की पावर एक्स इज इक्वल टू टी और हमें एक्स फाइंड करना है, तो एक्स क्या होगा, ये चीज नीचे जाएगी, ये चीज जब इधर आएगी तो लॉग बनेगी और ये चीज लॉग की बेस बन जाती है, ठीक है। तो ये कुछ डेफिनेशन थी लॉग की, इसे आप नोट डाउन कर लेना। तो जो लॉग एक्स है, कोई फंक्शन है एक्स का, तो इसके जो फॉर्मूला होता है ये 1/x होता है। ये सारे जितने फॉर्मूले हैं हम लोग लिमिट्स में प्रूव करते हैं, लिमिट्स में हम इसको क्या करते हैं, प्रूव करते हैं, ठीक है। और लिमिट्स आपके क्लास 11th में, तो ये सब आपको प्रूव कराया जाएगा, ठीक है, मैथ्स में। फिर अब एक ये फंक्शन है लॉग, सॉरी डेरिवेटिव ऑफ ई एक्स, ई एक्स एक्सपोनेंट की पावर कुछ भी होगी, वो फंक्शन एज इट इज ऐसे ही उतर जाएगा। ई अगर ई की पावर एक्स है तो ई की पावर एक्स ही उतर जाएगा, ठीक है। बट यहाँ ई है एक्सपोनेंट फंक्शन है, मगर यहाँ पे देखिए डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स किसी नंबर की पावर अगर वेरिएबल हो, किसी नंबर की पावर वेरिएबल हो, मीन्स 2 की पावर एक्स हो, 3 की पावर एक्स हो, ऐसे समथिंग कोई अगर फॉर्मूला बन रहा है, जब हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं तो ये तो एज इट इज उतर जाएगा और साथ में लॉग ई ए आएगा, मीन्स लॉग ई मतलब एल एन नेचुरल लॉग, लॉग की बेस 10 नहीं आएगा, मीन क्या आएगा, लॉग की बेस 10 नहीं आएगा, यहाँ पे नेचुरल लॉग आएगा, लॉग की बेस ई आएगा, ठीक है। वैसे ही साइन का अगर हम करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, कॉस। अच्छा जो ये फंक्शन कर रहे हैं तो इसका कुछ ग्राफ बनता है, और ग्राफ पे जब हम स्लोप निकालेंगे तो कॉस देगा, ठीक है। तो डेरिवेटिव का मतलब यही होता है, हर फंक्शन के उस पे हम क्या करेंगे, एक स्लोप खींचेंगे, और उस स्लोप को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, कुछ इस तरीके के फंक्शन मिलेंगे, ठीक। जब डेरिवेटिव dx का cos के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस sin x, बस जस्ट रिवर्स में, बस नेगेटिव साइन लग जाएगा, ठीक है। tan का क्या होता है डेरिवेटिव, sec स्क्वायर x, ठीक। और cot का क्या होगा, माइनस cosec स्क्वायर x, ठीक। और एक ये रहा कि अगर डेरिवेटिव sec x का होगा तो sec x tan x लिखेंगे, मीन sec x का लिखेंगे sec x, और sec का हमने यहाँ पे कुछ देखिए 10 से कुछ रिलेशन है तो हम 10 लिख देंगे। वैसे cosec x का क्या होगा, cosec x एज इट इज लिख देंगे, और साथ में यहाँ पे देखिए cosec किससे रिलेट करा था, cot से, तो वही cot को लिख देंगे। ये थोड़ा लर्न करने का कुछ तरीका है, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, इसी के बेसिस पे हम डेरिवेटिव पूरा सॉल्व करेंगे। और मेरे हिसाब से जो फिजिक्स में काम की चीजें हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी इसको आप छोड़ सकते हैं, मगर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और स्पेशली साइन कॉस और टेन, ठीक, और टेन और कॉट भी, ये एक रेयर केसेस में कभी कभार ही पूछे जाते हैं या कभी कभार आते हैं, ये तो मैथमेटिक्स को सॉल्व करने के लिए आते हैं, मगर फिजिक्स में, क्योंकि हम फिजिक्स क्या है, फिजिकल लॉस की स्टडी करते हैं, और फिजिकल लॉस कुछ इन दोनों पे डिपेंड करेंगे, साइन कॉस पे जब हम ऑसिलेशन पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा टेन और कॉट पे कभी कभार न्यूमेरिकल बन जाते हैं, ठीक, मगर इन पे बनते हैं, मगर ये सब मैथमेटिक्स की चीजें हैं, तो हम फिजिक्स में वही न्यूमेरिकल लगाएंगे जो हमारे रियल लाइफ से रिलेट करते हैं, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन लीजिए, अब ये क्वेश्चन है, दो है, एक मैं करता हूँ, एक आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो पहले मैं इसी को कर देता हूँ, पहले वाले को या दूसरे वाले को, पहले वाले को कर देता हूँ, ठीक है, दूसरा वाला आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो हमें डेरिवेटिव निकालना है इसका, तो हम इन फॉर्मूले की हेल्प से निकालेंगे, ठीक है। तो हमें मालूम है कि ये कोई फंक्शन दिया होगा, तो हम सपोज कर लेते हैं, क्या लिखते हैं, लेट y इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है, टेन एक्स प्लस एक्स क्यू प्लस टू लॉग एक्स, ठीक है। अगर log x दिया हुआ तो यहाँ पे हम सपोज करके चलेंगे कि बेस e होगा, ठीक है, तो बेस e मान के चलेंगे, ठीक है। अगर नहीं दे रहे तो हम बेस e मान के चलेंगे, अगर 10 दिया होगा तो फिर हमें कुछ और करना पड़ेगा, ठीक है, साथ में। तो देखिए, लेट y इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस एक्स क्यू प्लस टू लॉग एक्स, अब हमें इसका क्या करना है,
डेरिवेटिव निकालना है, हम क्या लिखेंगे किसके रिस्पेक्ट में, जो इंडिपेंडेंट मतलब ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे डिपेंड कर रहे हैं, सारे फंक्शन एक्स पे डिपेंड कर रहे हैं, मतलब वाई भी किस पे डिपेंड करेगा, एक्स पे, तो डेरिवेटिव हम किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, एक्स के, तो हम लिखेंगे क्या, डिफरेंशिएट वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, हम डिफरेंशिएट करेंगे वाई को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम लिखते कैसे हैं इसको, इसको लिखते हैं dy dx, हमें मालूम है, तो dy dx जब हम लिखेंगे तो y की जगह पे हम पूरा ये फंक्शन, क्योंकि हमें मालूम है ये y क्या है, ये वाला फंक्शन है, ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे, हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक। अब ये डेरिवेटिव हर फंक्शन पे लगेगा, क्योंकि प्लस है बीच में, तो क्या होगा dy dx इसके प्लस dy dx इसके प्लस dy dx इसके करते हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसे, इसको कुछ इस तरीके से लिख देंगे, tan x प्लस इसको लिख देंगे x क्यूब प्लस dy dx 2 log x, ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, अलग अलग इसको क्या कर दिया, ऑपरेट करा दिया है, ठीक है, डेरिवेटिव एक ऑपरेटर भी होते हैं, ठीक है, ये सब चीजें बात की हैं, ठीक, जैसा एडिशन भी एक ऑपरेटर होता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब ऑपरेटर होता है, तो ये भी एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है, ठीक। तो अब हमें ये देखिए, अब ये फंक्शन हमें मिल गए, अब हम फॉर्मूले पे आते हैं कि अगर हमें dy dx tan x का चाहिए, तो tan x के लिए यहाँ हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है कि भैया डेरिवेटिव tan x का होता है sec स्क्वायर x, तो इसका मतलब हमारा जो dy dx होगा वो किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, sec स्क्वायर x के, हमारे पास फॉर्मूला लिखा हुआ है, हम क्या लिखेंगे इसे, sec स्क्वायर x। अब बात आती है, अब ये फंक्शन x की पावर समथिंग, देखिए यहाँ पे कहीं फॉर्मूला लिखा है x की पावर समथिंग, पहला वाला x की पावर समथिंग, ठीक, तो वहां पे x की पावर 3 है और यहाँ x की पावर n है, मतलब n की जगह हम वहां क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, तो जब हम 3 रखते हैं तो हम मैंने बताया था कि ये जो पावर रहती है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी और एक पावर कम हो जाएगी, ये इसका, तो देखिए यहाँ एन एक्स एन माइनस वन, तो एन की जगह हम क्या रख देंगे 3, तो हम क्या रखेंगे 3 x 3 माइनस 1, हम डायरेक्टली 2 कर सकते हैं, मगर एक बार बेसिक है तो आपको बता दे रहे हैं। अब देखिए ये कांस्टेंट है और साथ में लॉगरिथम है, देखिए कांस्टेंट का कभी भी डेरिवेटिव नहीं निकालते हैं, तो जब प्रोडक्ट में हो तो कांस्टेंट हमेशा हमारा क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो हमारा कांस्टेंट क्या हो गया, बाहर हो गया, और डेरिवेटिव किसका होगा, लॉग एक्स का, और देखिए डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, मैंने आपको बताया था कि बेस अगर कुछ नहीं दिया हो तो हम नेचुरल मान के चलेंगे, तो log x का अगर डेरिवेटिव लिखेंगे तो क्या होगा 1 बाई एक्स, तो log x का जो डेरिवेटिव होगा वो हमारा क्या होगा 1 बाई एक्स, तो हमारा आंसर क्या आएगा sec स्क्वायर x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई एक्स, यही हमारा क्या है आंसर, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब आप कहोगे कि सर सेकंड वाले में कुछ करिए, ठीक, सेकंड वाला होमवर्क दिया था मगर हेल्प क्या करा ही दे रहे हैं, फिर उसके बाद आप जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है लगाइएगा, और जो मैंने फॉर्मूले लिखवाए हैं उससे ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है, उससे ज्यादा फंक्शन मिलेंगे नहीं बुक में आपको, स्पेशली फिजिक्स में, मैथ में मिल सकते हैं मगर फिजिक्स में नहीं मिलेंगे। अब देखिए ये तो कुछ अलग तरीके के सिस्टम दिख रहे हैं हम लोगों को, तो हम इसको क्या करते हैं थोड़ा सॉल्व करते हैं उसके बाद डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे लेट कर लेते हैं कि पूरा वाई जो है हमारा वो क्या है हमारा साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक, थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं उसके बाद थोड़ा इजी वे में करते हैं, तो हम क्या करेंगे इस y को हम ये लिख सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं एडिशन में, तो हम ये लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x प्लस
कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस, तो हमें मालूम पड़ गया कि ये कट जाएगा और साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन, ठीक, ट्रिग्नोमेट्री हाई स्कूल में हमने पढ़ा होगा, तो साइन अपॉन कॉस क्या होगा टेन, तो हम क्या लिखेंगे इसको टेन एक्स, और इसको क्या लिखेंगे हम कॉस एक्स, क्या कह रहे हो यही वाला फॉर्म बन गया एडिशन वाले में, अब हम इजिली आप ऑपरेट कर सकते हैं, तो अब लिख लीजिए क्या डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक, तो जब हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या होगा dy by dx, इसको हम क्या लिखेंगे डेरिवेटिव क्या हो जाएगा tan x plus cos x, ठीक, अब फिर अगर हमें मालूम है कि एडिशन है, जब एडिशन है तो फिर एक एक फंक्शन पे हमें क्या करना पड़ेगा डेरिवेटिव ऑपरेट करना पड़ेगा, तो हम ऑपरेट कर देते हैं, कौन सी बड़ी बात है, कर दिया ऑपरेट, और क्या कर दिया इस ठीक, अब हमें फॉर्मूले से मालूम है टेन का क्या होता है sec स्क्वायर x, हमने क्या लिख दिया और cos का क्या होता है माइनस साइन x, हमारा आंसर हो गया ये, ठीक है, तो ऐसे जितने भी क्वेश्चंस हैं डेरिवेटिव के आप उसको लगाइए साइड बुक से, कोई भी हो SLR हो या कुछ भी हो, अगर एनसीईआरटी में तो एनसीईआरटी के भी आप एक्सरसाइज लगा सकते हैं, ठीक है, लेते हैं डिफरेंशिएशन में और थोड़ा जनरल फंक्शन लेते हैं, हम बोलते हैं उसे कंपोजिट फंक्शन, अभी कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, हमें मालूम है कि जो हर फंक्शन होता है उसके कुछ मतलब एक पैटर्न होता है, जैसे हम साइन एक्स लिखते हैं कॉस एक्स लिखते हैं, तो जनरली कॉस एक्स साइन एक्स ऐसे लिखते हैं, मगर साइन एक्स और कॉस एक्स में जो एक्स है उसको हम किसी फंक्शन से मतलब रिप्लेस कर दें, जैसे कि ये देखिए साइन एक्स एक जनरल फंक्शन है, ठीक है, अगर हम इस x को ये जो x है जो वेरिएबल है उसको हम किसी फंक्शन से, अब फंक्शन क्या हो सकता है 2x ले सकते हैं, इस x की जगह हम ax plus b ले सकते हैं, इस x की जगह हम कोई e की पावर x ले सकते हैं, तो मीन्स हम जनरल फंक्शन में जो वेरिएबल है उसकी जगह हम कोई नया फंक्शन ऐड करते हैं, क्या करते हैं हम कोई नया फंक्शन ऐड करते हैं, तो ऐसे फंक्शनों को हम क्या बोलते हैं ऐसे फंक्शनों को हम क्या बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन, ठीक है, जैसे ये x की पावर है हमें मालूम है जनरल फंक्शन होता है, अगर हम x है ये वेरिएबल है हमारा हमें मालूम है, हम x की जगह कोई और फंक्शन ले, हम लिख लें 3x plus 2b की पावर है, तो ये एक हमारा कंपोजिट फंक्शन हो गया, x की जगह हम sin x की पावर n कर दें वो भी एक हमारा क्या हो गया कंपोजिट फंक्शन हो गया, वैसे ही हम कुछ लिखें log की पावर log x की पावर n तो ये भी हमारा एक कंपोजिट फंक्शन हो गया, मतलब किसका कंपोजिट फंक्शन एक जनरल फंक्शन x n का, ठीक है, तो कंपोजिट फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि हमें मालूम है कि व्हेन द वेरिएबल क्वांटिटी x ऑफ एवरी जनरल फंक्शन इज रिप्लेस्ड बाय अनदर फंक्शन देन द न्यू फॉर्म्ड फंक्शन इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन, मींस ये हमारा जनरल फॉर्म है जिसमें हमारा वेरिएबल क्या है x, और इस x को हम किसी अदर फंक्शन से अगर हम रिप्लेस कर देते हैं तो ये जो नए नए फंक्शन बने sin 2x sin a plus bx sin ex या xn अगर जनरल फंक्शन है तो ये sin x की पावर n x की जगह क्या रिप्लेस होगा sin x, इस x की जगह 2x plus 3 की पावर n, इस x की जगह log x, मतलब x जो वेरिएबल था उसकी जगह हमने एक फंक्शन ले लिया log x, ठीक, उसकी पावर n, तो ऐसे जो फंक्शन होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं, तो इसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल है वो देखिए कि कंपोजिट फंक्शन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है, तो डिफरेंशिएशन में ये टेक्निक याद रखिएगा बहुत काम देगी आपको, कि जैसे y x इज इक्वल टू 10 की 10 और ये हमें कुछ दिया हुआ है 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x ब्रैकेट में, मीन्स नॉर्मली हम जनरल फंक्शन 10 का क्या लिखते हैं 10x, मगर यहाँ पे 10x की जगह ये अंदर क्या दे दिया है एक फंक्शन डाल दिया है, मीन्स ये कैसा फंक्शन हो गया कंपोजिट फंक्शन, सिमिलरली अगर हमें इसका डेरिवेटिव निकालना तो हम क्या करेंगे e की पावर x x स्क्वायर माइनस x, हम लोग ने जनरल फंक्शन एक्सपोनेंशियल के क्या निकाला था कि y इज इक्वल टू ex, ठीक है, y इज इक्वल टू ex एक जनरल फंक्शन है ये, और इसी का हमने डेरिवेटिव भी किया था तो क्या आया था dy dx का,
पावर एक्स, ठीक। तो ये जनरल फंक्शन है, मगर एक्स की जगह हमने अब क्या रिप्लेस कर दिया यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। तो एक वेरिएबल को हटा के हमने यहाँ पे क्या ले लिया, एक जनरल फंक्शन ले लिया है। तो ये भी एक तरीके का क्या हो गया, कंपोजिट फंक्शन हो गया। क्या हो गया, कंपोजिट फंक्शन हो गया। अब देखो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे करते हैं, एक मैं करता हूँ, चलो दोनों में कर दूंगा, उसके अलावा जो भी बुक्स में आपको मिले साइड बुक्स में वो आप देखिएगा, ठीक। हम सपोज कर रहे हैं इसको y इज इक्वल टू टेन थ्री एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स, ठीक। ये हमारे पास कोई फंक्शन है, पर अब हमें मालूम है कि हम जो हमारा फॉर्मूला है टेन का, वो तो ये कि डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू हमारा, सॉरी अगर हम ये लेते हैं टेन एक्स, तो हमारा क्या आएगा, sec स्क्वायर एक्स, ठीक। अब देखिए यहां पे क्या है कि अगर हमारा जो फंक्शन है वो जनरल है, मतलब यहां पे अगर x है तो यहां पे भी क्या है, x के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। यहां x है तो यहां पे भी क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। मगर अगर मैं dy dx करता हूं तो ये तो 10 है, मगर ये पूरा x नहीं है हमारा, ये पूरा हमारा x नहीं है। तो अगर हमें ये फॉर्मूला बनाना, कौन सा फॉर्मूला बनाना, ये फॉर्मूला बनाना, तो ये वाला जो अंदर x है और ये वाला जो नीचे बेस है, ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो अब देखो सेम होने के लिए क्या करेंगे, हम एक मैथमेटिकल जुगाड़ है उसको हम यूज करते हैं। अब मैथमेटिक्स का जुगाड़ क्या कहता है कि भैया ये एक्स, हम लोग ये कंपोजिट फंक्शन है, तो अब हम इसको बताएं कैसे लिखेंगे। डी वाई बाई डी एक्स अगर मैं निकाल रहा हूं तो हम पहले ये लिखेंगे भैया कि x tan 3x cube plus 5x square plus 6। देखिए लोग तो क्या कहते हैं कि tan का जो आता है sec square x, उसको लिखिए फिर इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, मगर आपको फील कराएं कि कैसे हुआ एग्जैक्टली ये, ठीक है। तो देखिए हमने मैंने पहले बता दिया था कि अगर नीचे x है तो tan के भी नीचे क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। और अगर हम क्या कर सकते हैं कि अगर यही फंक्शन हम यहां लिख दें x की जगह, तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि हमें पहले ही मालूम है कि d tan x का जो फॉर्मूला है वो sec x है, sec स्क्वायर x। बट कब, जब ये x हो तभी। यहां पे तो मैं x लिख रहा हूं, मगर ये वो वाला फंक्शन है, क्योंकि ये दोनों क्या होने चाहिए, अंदर की चीजें सेम होनी चाहिए ऊपर नीचे, मगर यहां पे क्या है, यहां कुछ है और यहां x है। तो हम क्या करेंगे, एक मैथमेटिकल जुगाड़ करते हैं, और वो मैथमेटिकल जुगाड़ क्या है कि हम इसको अभी रिप्लेस कर देते हैं 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6 से, ठीक। और यहां पे हम लिख देते हैं 10 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस का दिक्कत है तो मैं थोड़ा साइड कर ले रहा हूँ, तो और ज्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक। तो यहाँ जो होगा, हमने क्या किया, ये वाले फंक्शन को यहाँ रख दिया, तो हम क्या लिखेंगे इसको, थ्री एक्स क्यू प्लस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स, ठीक है। मगर हमें क्या चाहिए, नीचे डी एक्स, पर यहां पे हमारा डी एक्स आ नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने कुछ नया ऐड किया है इसी को मैं अगर यहां मल्टीप्लाई कर दूं, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स, और यहां पर मैं डी एक्स कर दूं, तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें मालूम है कि ये पार्ट और ये पार्ट क्या जाएगा, कैंसिल, ऊपर नीचे मैंने इस पार्ट से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब जैसे मैं इस पार्ट को मल्टीप्लाई करूंगा तो डी टेन डी एक्स आ जाएगा, जो कि हमारा ये ऊपर था। तो अब देखिए मैंने जो फॉर्मूला बताया था कि टेन एक्स का क्या होता है,
sec स्क्वायर x, मगर ये पार्ट और ये पार्ट हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अभी हमें तो ये सेम दिख रहा है, ठीक। तो हमने क्या लिखा इसे, sec स्क्वायर, मगर वहां पे जब यहां x रहता है तो यहां x लिखते हैं, मगर यहां पे अभी क्या है, ये फंक्शन है, यहां tan x लिखते हैं तो sec x लिखते हैं, मगर अभी tan के साथ क्या है, ये है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6, ठीक। ये तो हो गया ये पार्ट, अभी साथ में ये भी है। अब हमें मालूम है कि इसका कैसे डेरिवेटिव करते हैं, तो इसका हम डेरिवेटिव कैसे करेंगे, अलग अलग। और हमें मालूम है कि अगर वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट होता है, वो डेरिवेटिव का हमेशा क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे इसको, डी 3x by dx plus 5 dx square by dx plus d को 6 के साथ करेंगे, क्या आ जाएगा, 6, ठीक। अब देखिए यहां पर हमें फॉर्मूला x की पावर m का मालूम है, क्या होता है, मैंने आपको याद करने के लिए बोला था, देखिए क्या होगा, ये पावर यहां आगे आ जाएगा और यहां पे एक कम हो जाएगा, पहले 3 था, अब जो 3 से 3 का 3 यहां आ जाएगा और x की पावर क्या आ जाएगी, 2, सेम यहां x की पावर 2 है, 2 आगे चला जाएगा, तो 5 इंटू 2 इंटू एक्स, ठीक है। और ये क्या है, डेरिवेटिव ऑफ 6, कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, ठीक। तो देखिए अब किस फॉर्म लिख देता है, बढ़िया सा, अब क्या हो जाएगा, ये 9x स्क्वायर प्लस 10x, और यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो देखिए तरीका बस ये याद रखना है कि हमें मालूम है कि 10x dx की वैल्यू sec स्क्वायर x होती है, मगर यहाँ पे 10 की पावर कुछ, यहाँ पे कुछ अलग फंक्शन दिया हुआ x है, और हमारे पास नहीं x है, और हमें मालूम है कि 10x और x, जब ये दोनों x सेम होंगे तभी हम sec स्क्वायर x लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया कि x को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, इससे, अब इसी को मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो सेम चीज है ना। तो इससे क्या हुआ कि सेम अगर हमारे पास ये बन गया तो अब हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर, जो ये फंक्शन है उसको हम यहां लगा दिए, और डेरिवेटिव अब इसका हम ये कर देंगे जो होगा अलग अलग करके, ठीक है। तो ये सारा मेथड है, ठीक। तो कंपोजिट फंक्शन कैसे टैकल करना है कि हमें मालूम पड़ गया, तो जो फंक्शन इसके अंदर लिखा होगा उसके साथ एक बार हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, और जो चीज यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे उसी चीज को ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, और नीचे डीएक्स लिख देना, आराम से डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया, सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू e की पावर 3, ठीक है, ये हमारा। तो देखिए मान लो भाई डेरिवेटिव निकाला हमें, हमने क्या किया, डेरिवेटिव निकाला, जब हमने डेरिवेटिव निकाला तो कुछ ये हमें करना है। अब हमें क्या मालूम है कि dy dx जो होता है, सॉरी dy ex जो होता है वो ex होता है, मतलब जो ये x रहेगा वो यहीं आएगा, ठीक, और जो यहाँ x रहेगा वो नीचे भी रहना चाहिए, मगर यहाँ देखिए ये जो x है नीचे वाला x तो सही है, मगर ऊपर वाला x क्या है, चेंज कर रहा है। तो हम क्या करेंगे कि ये दोनों सेम होंगे तभी हम ये लिख सकते हैं, तो हम क्या करेंगे इसको सेम करने के लिए यहाँ पे इस वाले फंक्शन को क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। तो देखिए क्या होगा, डी एक्स की जगह हम इसी को रिप्लेस कर देते हैं, और साथ में ये जो अगर नीचे हमने यूज किया है उसी को हम यहां ऊपर यूज करेंगे, और
dx, ठीक। अब हमें मालूम पड़ गया ये भी सेम है, ये भी सेम है, इसका मतलब e तो रहेगा। फॉर्मूला क्या है, x e की पावर x ही आएगी और यहाँ पे e की पावर x क्या है, x स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे, एक अब यहां पे देखिए अलग अलग कर लेंगे, क्या क्या हो जाएगा, आपको इसका फॉर्मूला मालूम है क्या हो जाएगा, 2x माइनस जीरो, क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्या हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। अब जो भी आपके अगले जो इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन होंगे तो आप उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।